अभी 1 अगस्त को दोस्तों वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया, जिसे हम लोग WWW के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों की घोषणा हुई है और अब टोटल वहां पर जिलों की संख्या हो जाएगी 30। कारगिल सेक्टर में जो द्रास में जो पॉइंट था ना 5140, जिसको इंडिया ने फतह किया था, दोबारा से वापस अपने कब्जे में लिया था 1999 की लड़ाई में, उसका नाम अब गन हिल कर दिया गया है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश जी बना दिए गए हैं और अभी हाल में आईटीबीपी के महानिदेशक का एक्स्ट्रा चार्ज मिल गया है सुजाय लाल थाउसेन को, ये वर्तमान में एसएसबी के महानिदेशक हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बात करी थी केरल के बारे में। केरल राज्य ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है और अभी फिक्की ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर के मेक इन ओडिशा इवेंट आयोजित कराया हुआ है। इसके तहत ओडिशा सरकार का लक्ष्य था कि कैसे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए। संजय बारू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और अनाहत सिंह ने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट होने का रिकॉर्ड बना लिया है। एक सबसे कम उम्र के एथलीट के रूप में इन्होंने डेब्यू किया है, 14 वर्ष की महज इनकी उम्र है। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल रामोस का निधन हो गया है।